हेलो सोलन, दिव्य हिमाचल टीवी से आशा भंडारी के साथ मैं दामिनी कपूर हाजिर हूँ आपके शहर की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। आपने अपने बाल कहाँ डाई करवाए? 55 बच्चों को बनाया गया ब्रह्मचारी, धारण किया यज्ञोपवीत। मिंट रेस्टोरेंट निभा रहा पारंपरिक थाली की प्रथा। कोरोना से मुक्त पाए गए 8 लोगों को जांच के बाद भेजा घर। अब समाचार विस्तार से। आज का दौर फैशन का है, इस दौर में हर कोई अलग दिखना चाहता है। इसी में बालों को कलर व हाईलाइट करवाना तो एक जुनून सा बनता जा रहा है। फैशन के लिए युवक और युवतियां बालों को अलग अलग कलर देने के लिए हाईलाइट करवाते हैं। हाईलाइट करवाने से बाल काफी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इसे करवाने के लिए युवा पार्लर में काफी पैसे खर्च कर देते हैं। अक्सर ये फैशन चंडीगढ़ या मेट्रो सिटीज में अधिक प्रचलित था, लेकिन ये फैशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बालों को हाईलाइट व कलर करवाने का फैशन अब सोलन में भी दिखाई दे रहा है। सोलन के युवक और युवतियां भी इस फैशन पर फिदा हैं। इसी को लेकर अधिकतर सैलों में कलर व हाईलाइट करवाने के लिए युवा पहुंच रहे हैं। इन दिनों पेरेंट कलर, ब्रांडी व अन्य कई प्रकार के कलर का प्रयोग बढ़ रहा है। ये कलर लगभग 500 से लेकर 10,000 तक के हैं। और सिर्फ मैं कलर्स के बारे में ये बताऊंगी कि आजकल जो न्यू फैशन शेप निकले हैं वो सब गर्ल्स न्यू करवाती हैं। अपने आप को एक लुक चेंज करना चाहते हैं, सब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। मार रोड पर कई तरह के कलर्स निकले हैं जो कि वो फैशन शेप सब लोग आजकल करवाने लगे हैं, गर्ल्स भी बॉयज़ भी सब करवा रहे हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि ये चंडीगढ़ दिल्ली जैसे शहर में ये सब फैशन्स जो शेड होते हैं हमारे, ये सब कलर्स बालों में करवाती थी लड़कियां। बट अभी सोलन शहर में भी गर्ल्स बहुत ज़्यादा करवाने लगी है। जी, मेरा नाम सैम है और मैंने अपने बालों में बहुत अच्छा एक कलर मारा है जो हाईलाइट्स के मुकाबले बहुत अच्छा है। इसमें आप बहुत सारे कलर पा सकते हो, ग्रीन कलर, ब्लू, रेड, बहुत सारे मतलब हाईलाइट्स आपको मिल जाएंगे। मैंने पीकॉक कलर करवाया है क्योंकि मुझे ये कलर बहुत पसंद है और ये हाईलाइट कलर सोलन शहर में बहुत पसंद है। आजकल के टाइम में लड़कियों में कलर का बहुत ज़्यादा क्रेज है। आजकल के जो फैंसी शेड है वो लड़कियां बहुत करा रही है, जैसे मिंट ब्लू हो गया, रेड रोज हो गया, डेनिम ब्लू हो गया, एस कलर हो गया या आईसी वाइट हो गया। ये कलर बहुत ज़्यादा मार्केट में चले हुए हैं आजकल और इन कलरों को कराने में लड़कियों में बहुत ज़्यादा क्रेज है। और आजकल के जनरेशन के लड़के भी बहुत टाइप्स के कलर करा रहे हैं, जैसे कि मैंने भी कराया है आईसी। वर्तमान युग भले ही आधुनिक हो चुका है लेकिन पुरानी संस्कृति अभी भी चली आ रही है। इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार में 55 बच्चों को जनेऊ धारण करवाया गया है। यह वर्षों पुरानी संस्कृति आगे से आगे चली आ रही है। बता दें कि जनेऊ की दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। प्राचीन काल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। माता पिता अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे तब भी यह दीक्षा दी जाती थी। सोलन के साथ लगते गांव चामत भड़ेच में लोगों ने इस परंपरा को कायम रखा हुआ है और यह 10वां संस्कार किया गया है। इस दौरान सभी बच्चों ने एक साथ गुरु से गुरु मंत्र लिया और इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन का प्रण लिया है। मेरा नाम पारस शर्मा है। आज मुझे हमारे सनातन धर्म की पुरानी रिवाज यज्ञोपवीत संस्कार मैंने धारण किया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे एक बहुत ही अच्छे गुरु मिले जिन्होंने हमें बताया कि इस धर्म का पालन कैसे करना है और क्या क्या करना है। धन्यवाद। गणेश शर्मा, प्रबंध समिति देवजश महादेव देवदर्श अध्यक्ष, पिछले 1957 से लगातार अध्यक्ष रहा हूँ। तो ये हमारा हर तीसरे साल या चौथे साल यहाँ पर यज्ञोपवीत का कार्यक्रम होता है। ये हमारा पांचवा इस साल जो है पांचवा कार्यक्रम है ये। तो पहले ये मंदिर बनाया, मंदिर के बाद फिर इसकी प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठा के बाद फिर यहाँ पर सचंडी होता है हर तीसरे, इसके साथ ही यज्ञोपवीत के साथ ही हमारा सचंडी यज्ञ भी होता है। तो आज ही हमारा पाँचवा
ये जो यज्ञोपवीत का कार्यक्रम, इसमें 54 बच्चों ने भाग लिया है और पिछली बार 172 बच्चों ने भाग लिया था। ये थोड़ा जल्दी में इस बार कार्यक्रम, थोड़ा ठंड की वजह से हमारे को थोड़ा ये कुछ बच्चे कम आए हैं, नहीं तो यहाँ पर बहुत बच्चे, हर बार यहाँ पर लगभग 100 बच्चों से ऊपर यज्ञोपवीत होता रहा। इस बार यहाँ पर जो है वो 54 बच्चों ने यज्ञोपवीत धारण किया है। और इस देवस्थान में हर वर्ष ये पांचवी बार यज्ञोपवीत संस्कार होने जा रहा है और हम चाहते कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा हमारे मंदिर स्थानों में सामूहिक होते रहे, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार आ जाए, क्योंकि आज पाश्चात्य सभ्यता का चारों तरफ बोलबाला हो चुका है, लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। तो ये मंदिर के जो कमेटी वाले हैं और सारे गांव वालों का बड़ा प्रयास रहता है कि यहाँ पर ये जो पांचवा यज्ञोपवीत संस्कार सामूहिक रूप में किया गया, आगे भी ऐसे ही होता रहे तो हमारे संस्कृति हमेशा बची रहेगी। धन्यवाद। फास्ट फूड की महक से इन दिनों बाजार गुलजार हैं। क्या पिज्जा, क्या बर्गर, क्या चौमिन और क्या मोमोज, युवा फास्ट फूड की तरफ इतने आकर्षित हैं कि अपने पारंपरिक व्यंजनों को ही भूल चुके हैं। लेकिन सोलन के देवघाट स्थित मेंटर रेस्टोरेंट एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो पारंपरिक व्यंजनों को आज भी पारंपरिक थाली में परोस रहा है। रविवार के दिन तो यहाँ ग्राहकों का मेला लग जाता है, क्योंकि यहाँ अपर शिमला की सबसे पसंदीदा एवं स्वादिष्ट डिश सिड्डू का स्वाद चखा जा सकता है, वह भी पहाड़ी घी के साथ। इसके अलावा यहाँ विशेष तौर पर सोलन जिला में शादी ब्याह एवं विशेष अवसरों पर बनने वाले मालपुए भी खिलाए जाते हैं। पारंपरिक व्यंजनों को थाली में परोसने के पीछे वजह भी खास है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों के लोग एवं मैदानी क्षेत्रों के पर्यटक इस विशेष प्रकार की डिश का आनंद उठा सकते हैं, वहीं युवाओं को भी इन पारंपरिक व्यंजनों के प्रति जागरूक करना है, ताकि लुप्त होते ये व्यंजन फिर से चलन में आ सके। सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई बहुत है और जो भी हम खाते हैं वैल्यू ऑफ मनी है।
आपको दिखता है कि इतना साफ सुथरा किचन है, हर एक चीज़ जो डेकोरेशन है और जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं बहुत ही उनका बहुत ही सख्त स्वभाव है और बहुत उनका प्रिपरेशन जो है वो चाहे सिड्डू ले लो आप, चाहे आप लंच ले लो, स्नैक्स ले लो, बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है, बहुत ही अच्छा अल्टीमेट जो है खाना है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के संबंध में अपनी निगरानी में रखे 16 लोगों में से 8 को छुट्टी दे दी है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को जांच के बाद घर भेजा गया है। विभाग के निगरानी में अभी 8 लोग हैं, जिनकी लगातार जांच चल रही है। बता दें कि कोरोना वायरस ने चीन में इन दिनों आतंक मचा रखा है और चीन से लौट रहे लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी मामला अभी तक हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया है। हाँ, जो लोग चाइना से आए थे या चाइना से होकर आए हैं या वहाँ पर रह कर आए हैं, वो 16 लोग थे जो हमारे ऑब्जर्वेशन में थे अब तक, और उसमें से 8 लोगों का आज 28 डेज पूरे हो चुके हैं और सिर्फ अब 8 लोग और हैं जो हमारे ऑब्जर्वेशन में हैं। ये वायरस भी एक किस्म का बेसिकली जिसको कह सकते हैं कि आप राइनाइटिस या सीवियर वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें कि हाई ग्रेड फीवर होता है, खांसी जुखाम होगी, सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसका वहीं से ये लगेगी जहां पर कि कैसे पहले पॉजिटिव केस होगा। अगर पता है आपको कि किसी आदमी को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुई है तो उसके नज़दीक नहीं जाना है, उसके साथ हाथ नहीं मिलाना है, उससे दूर रहें। और जिन लोगों को इससे इन्फेक्शन हुई है कोरोना वायरस से, उन लोगों से तो पहले ही रिक्वेस्ट की जा चुकी है कि वो अपने घर में ही रहें, वो बाहर ना निकलें। या वो आदमी जो चाइना जाकर आया है उस एरिए में जहां पर कि ऑलरेडी इस कोरोना वायरस का एपिडेमिक है, वो आदमी कम से कम 28 दिन तक अपने घर में ही रहे, ताकि अगर कोई उसको इन्फेक्शन होती है, कुछ भी होता है, वो हमारे से 108 के थ्रू या डायरेक्टली हमारे से कॉन्टैक्ट 104 के थ्रू या डायरेक्टली हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, और उसके लिए हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस शिमला से करवाएंगे और उसकी ट्रीटमेंट भी की जाएगी। कोरोना वायरस की ओवरऑल कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बेसिकली जो जो सिम्टम्स आते हैं हम उसी को ट्रीट करते हैं, और अच्छा रेजिस्टेंस होने पर आदमी बच सकता है। हमने डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जहां पर कि अगर कोई भी पॉजिटिव केस है तो उसको रखा जा सके, उसकी ट्रीटमेंट की जा सके। इस बार के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।